एक और कांस्टेबल भर्ती री एग्जाम के पहले दिन ताबड़तोड़ तैयारियों के बीच पेपर चल रहा था। पेपर लीक का दंश झेले युवा एक बार फिर बड़ी उम्मीदों के साथ जी जान से पास होने के लिए जुटे थे। इधर पुलिस जुटी थी एक्शन में, ताबड़तोड़ एक्शन में, जिसकी जद में अखिलेश के बड़के नेता भी आ गए। दरअसल लखनऊ में पेपर लीक की अफवाह को लेकर एक FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें सपा नेता और पूर्व मंत्री यासर शाह का भी नाम है। यासर शाह पर आरोप है कि उसने कई ग्रुप बनाए, उस पर पेपर लीक होने की अफवाह फैलाई। FIR के मुताबिक यासर शाह ने अपने एक्स अकाउंट से पेपर लीक का असत्य अपमानजनक पोस्ट किया। टेलीग्राम ऐप पर 11 चैनल्स पर पेपर लीक से जुड़े मैसेज वायरल किए गए। पेपर के बदले QR कोड भेजकर पैसे मांगे गए। आरोप है कि फर्जी प्रश्नों को वायरल कर रुपयों की मांग की गई। डिलाइट इंटरप्राइजेस फर्म का भी QR कोड शेयर किया गया। मामले के खुलासे भी साइबर सेल और STF की टीमें लगाई गई। अब बैंक डिटेल के जरिए पुलिस इन तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। जब इस घटना पर सवाल पूछा गया तो UP पुलिस के मुखिया सीधे सीधे बोल डालते हैं पेपर ना लीक होने की बात। कहते हैं पेपर ना लीक हुआ ना होगा, सबको सबक सिखा देंगे। जहाँ जहाँ से भी ऐसी गड़बड़ी की सूचनाएं मिल रही हैं, सभी जगह FIR की गई है और हम कठोर से कठोर कार्रवाई, चाहे वो विभाग के बाहर का व्यक्ति हो, चाहे विभाग के अंदर का व्यक्ति हो, किसी भी संगठन या संस्था से जुड़ा हो, हम लोग इस पे कार्रवाई करने में कोई हिचकेंगे नहीं। सर, भर्ती बोर्ड ने एक FIR हुसैनगंज में दर्ज कराई है। टेलीग्राम के कई चैनल के जरिए पेपर लीक होने की बेचने की बात से आमने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और मंत्री का भी उसमें नाम है। ये अभी तक कहीं से भी प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं है। जो लोग भी भ्रामक खबरें फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। फर्जी पेपर भेजकर रकम वसूलने की कोशिश में शुएब नबी सोफी, हरीश कुमार भगत, मनु कुमार, कपिल और सिद्धार्थ गुप्ता का भी नाम सामने आ रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले UP पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को बेचने के नाम पर ठगी के आरोप में श्रावस्ती में तैनात महिला सिपाही समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था। महिला सिपाही के साथ दिल्ली का रहने वाला एक और आरोपी देव प्रताप सिंह गिरफ्तार हुआ था। जानकारी के मुताबिक देव प्रताप सिंह अभ्यर्थियों को पेपर देने का झांसा देकर ठगी करने की फिराक में था। वहीं महिला सिपाही अभ्यर्थियों से पैसा इकट्ठा करने का काम कर रही थी। महिला सिपाही के मोबाइल से 5 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और पैसों के लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अब लखनऊ में भी FIR दर्ज हुई है। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, UP तक।